हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन वन पे। आज मैं आप लोग को ये सिंपल वाला झालर लाइट रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। इसे आप घर पे ही बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो और इसे रिपेयर करने में आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। आप इसे फ्री में रिपेयर कर सकते हो, वो भी घर पर। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। झालर को हमें चेक करने के लिए एक टेस्टर बनाना होगा, तो चलिए हम इस पहले टेस्टर को बना लेते हैं। तो आपको सिंपल एक टेस्टर ले लेना है जो घर में यूज होता है, और एक सुई या अल्पिन आप ले सकते हैं। और इस सुई को यहाँ पे सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको खाली पॉइंट्स, इस पे ये आप यहाँ पे चिपका दे। तो मैंने इसमें टेप चिपका के ये टेस्टर कंप्लीट कर लिया हूँ। अब ये हमारा LED चेक करने के लिए बन चुका है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको इसे लाइन में लगा कर दिखा देता हूँ कि ये हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा, ये हमारा पूरी तरह से डेड है। तो मैं अब इसे बोर्ड में लगा देता हूँ। तो अब जैसा कि देख रहे हैं, मैंने इसमें लाइन दे दिया हूँ, फिर भी ये हमारा नहीं जल रहा। तो अब इसे मैं किस तरह से टेस्ट करूँगा ये आप देखिए। तो मैं पहले इसे खोल लेता हूँ पूरा। तो मैंने इसे पूरा खोल लिया हूँ। अब मैं पहले यहाँ एक स्विच जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें जो दिया हुआ था स्विच वो कट चुका है, जिसके कारण मैं यहाँ स्विच जोड़ लेता हूँ। तो मैं इसमें अब स्विच जोड़ लिया हूँ। अब इसमें मैं आप पावर देखकर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आप इसे किस तरह से चेक करेंगे। तो मैं पहले इसमें पावर दे देता हूँ। तो मैंने इस बोर्ड में लगाकर पावर दे दिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए मैं इस टेस्टर से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले मैं बता दूँ कि इसमें जितने भी LED लगे हुए होते हैं वो सारे सीरीज में लगे हुए होते हैं। मतलब कि हमारा एक भी अगर बल्ब ख़राब हो जाए तो हमारा कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमें सिंपल जिसमें से तो हमें कुछ नहीं करना है, जो LED में से उसी वायर में इस पिन को वायर पे डाल के देखना है। अगर उस वायर पे हमारा लाइन आ रहा होगा तो ये हमारा टेस्टर ग्लो करेगा। तो चलिए मैं ये भी टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट LED है यहाँ पे, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो ये हमारा LED से वायर निकला, और एक फेज है और एक न्यूट्रल। तो मैं इसी में आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक वायर में जब टेस्टर को लगाता हूँ तो हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है, देख रहे हैं आप। और एक वायर में हमारा ग्लो नहीं करेगा, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो हमारा न्यूट्रल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्लो नहीं कर रहा, मतलब कि हमारा एक वायर में ग्लो करेगा। तो ये हमारा पूरा सीरीज में लगा हुआ है इसी कारण। तो चलिए मैं आप लोग को और आगे फिर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप लगातार बल्ब को ना चेक करें तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। तो आप कुछ कुछ दूरी पर टेस्ट करें। तो मैं फिर कुछ दूरी पर टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें LED बल्ब लगा हुआ है। तो मैं इस LED बल्ब के इस वायर पे चेक कर रहा हूँ फिर से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा लाइन आ रहा है, तो यहाँ तक भी हमारा LED सही है। फिर और आगे मैं चेक करता हूँ। तब मैं यहाँ चेक करता हूँ, तो यहाँ भी हमारा सही है, यहाँ तक भी हमारा लाइन आ रहा है। अब मैं और आगे चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ भी लाइन आ रहा, मतलब कि यहाँ तक भी हमारा सही है। अब मैं और आगे चेक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ भी लाइन आ रहा, मतलब यहाँ तक भी हमारा LED सही है। तो मैं और आगे चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लाइन नहीं आ रहा इस LED के इस साइड। तो मैं इस साइड ही पहले चेक कर लेता हूँ कि इस साइड हमारा लाइन आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा इस साइड ही लाइन नहीं आ रहा, मतलब कि और हमारा LED पीछे ही हमारा ख़राब है। तो मैं दो LED पीछे आकर फिर टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ भी हमारा लाइन नहीं आ रहा। तो मैं दो LED और पीछे आ जाता हूँ,
तो आप देख रहे हैं मैं इस बल्ब के इस साइड टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं कर रहा। और जब मैं इस साइड वायर पे टेस्ट करता हूँ, हमारा जो टेस्टर वो ग्लो कर रहा, मतलब कि ये हमारा एलईडी जो है ये ख़राब है। तो इसे तोड़कर यहाँ पे वायर शॉर्ट कर देने से ये हमारा जो झालर लाइट है वो जल जाएगा। तो चलिए मैं इसे तोड़कर और शॉर्ट कर फिर दिखाता हूँ कि हमारा जो झालर है वो ग्लो करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एलईडी तोड़कर वहाँ शॉर्ट कर दिया हूँ वायर। अब मैं फिर इसमें लाइन देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे अब लाइन देता हूँ तो ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगा। तो इस तरह से आप सिंपल झालर लाइट को घर पे ही रिपेयर कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।